और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सहप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में पहराई भी दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो, यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे।
और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था, क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है, और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था, आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था, और उस समय मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था, अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब हो गया, नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और विरासत और विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, मोदी जी फ्री में देशवासियों को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और कोरोना काल खंड से लेकर के अब तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी दे रहे हैं, ये मोदी जी दे रहे हैं। आप सोचो, ये कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्न हजम कर जाते हैं, और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है, और मोदी जी ने कहा है झारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजिए, एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए, 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत में, आपने देखा होगा,
आयुष्मान भारत में अब तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और अब मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे, 5 लाख रुपए का इसकी भी घोषणा हो गई है, इसको लागू कर दिया गया है। हर घर में सिलेंडर देने की बात, और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी जो पंच प्रण के रूप में 5 वायदे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित की है, उसमें लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते 2100 रुपए उसके खाते में दे दिए जाएंगे। सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए, एक तरफ ये जो जितने भी खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कोल माफिया है, वन माफिया है, पशु माफिया है, जहां इनके लिए सामने खड़े हुए उपकरण उनके लिए तैयार होंगे, वहीं साथ ही साथ हर परिवार को जो घर बनाना चाहता है उसको मुफ्त में बालू उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। युवा साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले हर युवा को 2 वर्ष तक 2000 रुपये प्रतिमाह, उन्हें एक निश्चित राशि उन्हें उपलब्ध करवाने का काम डबल इंजन की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जो 1.5 लाख भर्तियां झारखंड के अंदर नहीं हो पाई, बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटीओ मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।